हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया कि बेंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने गाड़ियों का आपको देखने को मिलेगा, जो स्टॉक भी रहेंगे, कुछ कुछ मॉडिफाइड भी रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टीम पुराने मॉडल का, और इसका भी मैं अभी बहुत जल्द रिव्यू करूँगा। तो सबसे पहले ओनर से मिलता है। सर, वेलकम टू माई चैनल। हेलो सर, गौतम गौतम। तो गौतम सर से अभी हम पूछते हैं उन्होंने क्या क्या इस कार में मॉडिफिकेशन किया है। सबसे पहले हम इसका एक्सटीरियर देखेंगे और उसके बाद हम इंटीरियर से शुरू करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ड्रोन का वॉक अराउंड देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सटीरियर से शुरू करेंगे। सो गौतम, व्हाट हैव यू डन टू द कार इन द एक्सटीरियर? आई हैव अप्लाइड BBS मैगवेल। ओके, एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस? विड्थ इज 7.5 जे एंड PCD इज 112। ओके, एंड इट्स 14 इंच। मैगवेल। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई ने BBS के एलॉयज लगा के रखे, जो बहुत ही मस्त लग रहा है। टायर का साइज अगर आप देखें तो यहाँ पे भाई ने लगा के रखे 185, 55 और 14, और इसका विड्थ जो है ये 7.5 जे है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो गौतम, व्हाट इज यू हैव स्टिकर? इट्स ए रेसिंग ऑफ FRK is a racing process where it is located in Malleshwaram. Okay. And is Rahman is the owner. Okay. And I gave my car to him. Okay. Because to install the air filter. Okay. This was the upgrade we have done, and so tuning has done it. Okay, so FRK tuned, right? Yeah. So you have got exhaust bhi lagaya apne isme? Yeah. Okay. Full header lagaya hai? Yeah, pura lag diya. Okay. Oh. तो ये फॉग लाइट्स के बारे में कुछ बताइए मेरे को। ये फॉग लाइट में ये 220 वोल्ट्स है। ओके। और ये HID मिल्की लाइट, मिल्की वाइट। और इसमें क्या है, मतलब इट्स एट नाइट टाइम इट्स वेरी हाई पावर एंड वेरी क्लैरिटी, सो इट्स विजिबल टू ड्राइव। नाइट ड्राइव इट्स विजिबल टू ड्राइव। और हेडलाइट में आपने वायरिंग किट लगाया है क्या? लगा दिया 9500। तो भाई यहाँ पे बता रहे हैं, भाई ने इसमें हेडलाइट भी चेंज किए हुए हैं, जो नॉर्मल 55-60 आते हैं उसमें भाई ने वायरिंग किट लगा के इसको 9500 कर दिया है। तो आप यहाँ पे स्पार्को के टो टैग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अभी साइड प्रोफाइल पे आते हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है। वाओ, लुक्स नाइस। सो व्हाट इज दिस? I guess it's power sport, that for a show. Okay. I have applied it. Okay. It's so, for a look. Okay. और ये यहाँ पे भी आपको velocity के motor sport के sticker देखने को मिलेंगे। भाई ने exterior में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जितना भी करवाया है, it is looking very very neat, very neat. यहाँ पे स्पॉयलर्स भी स्टॉक स्पॉयलर्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं FRK के बैजिंग। और इसका साउंड भी मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे भाई ने बताया कि भाई ने इसने फुल हेडर्स लगा के रखे हैं, जो FRK ट्यून्ड है। भाई ये क्या है? वो फ्लैशर है, फ्लैशर, ब्रेक फ्लैशर। ब्रेक के साथ चलता है वो? या ओके, रेड कलर। ओके, ये भी फ्लैशर भी देखेंगे हम दोस्तों कैसा काम कर रहा है। तो एक्सटीरियर तो लगभग दोस्तों हो गया है, चलिए हम अभी कार के इंटीरियर्स पे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कार के इंटीरियर्स पे जाते हैं। तो गौतम भाई, हमें दिखाइए इंटीरियर में आपने क्या क्या किया है। अभी ये स्टेयरिंग व्हील, मोमो स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हैं दोस्तों, भाई ने मोमो स्टेयरिंग। इसमें हैंडलिंग का कोई प्रॉब्लम आया नहीं? कुछ भी नहीं है, और वेरी फ्लेक्सिबल है। और ये टैकोमीटर, Nice. It's an automator because it's a show for when we have applied exhaust full header, and this is my
इंटीरियर लेदर सीट्स दोस्तों, इंटीरियर भी इट इज वेरी नीट, 2005 मॉडल का, तो कोई भी एंगल से लग नहीं रहा है। एंड 3D मैट, 3D मैट देख सकते हैं आप यहाँ पे, और भाई ने लेदर सीट्स भी लगा के रखे हैं यहाँ पे। इट्स अगस्टा लेदर सीट्स, मुझे तो टैकोमीटर भाई का बहुत पसंद आ गया भाई, ये देखिए, वाओ। और ट्विटर्स भी है आपने, ट्विटर्स भी लगा के रखे। तो आपने सिस्टम्स का कुछ किया है इसमें, सिस्टम्स का क्या किया है? सिस्टम पायनियर सिस्टम, ओके, फुल विद टू चैनल बोस्टन, ओके, एंड 1300 पायनियर सबवूफर, ओके, इट्स बैक साइड, ओके। चलिए दोस्तों मैं आपको आई शो यू दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ने यहाँ पे कंपोनेंट स्पीकर्स लगा के रखे हैं इन्फिनिटी के। अब चलिए हम इसका वूफर देखते हैं, इसका सेटअप कैसा है। नाइस, इसका साउंड आउटपुट कैसा है? साउंड आउटपुट इज मस्त, इट्स जस्ट ऑसम, सीरियसली आई एम श्योर, क्योंकि ये बॉक्स भी भाई ने जैसा बनाकर रखा है। इट्स अ इनबिल्ट बॉक्स, इनबिल्ट पानिया बॉक्स, लुकिंग नाइस। तो एम दिखाइए मुझे इसका, एम का पे अंडर सीट है ना? हाँ, तो दोस्तों ये एम देख सकते हैं, बॉस्टन के, बॉस्टन एकॉस्टिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका कितना वॉट्स है? वॉच 1200 वॉट्स है। ओके, टू चैनल है क्या? टू चैनल, ओके ओके। इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा है, इस कार को बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई किया, कांग्रेचुलेशंस, एंड इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली वेरी नीट, आप सबने देखा है। तो भाई हाउ मच हैव यू स्पेंट ऑन द कार? आई हैव स्पेंट 4.5 लाख फॉर। तो भाई बता रहे हैं कि भाई ने इसको सेकंड हैंड लिया है, इसके बाद भाई ने इसमें खर्च किया है, सो आई थिंक 4.5 लाख में
कार काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, अच्छा बन गया है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि बेंगलोर में आपको बहुत सारे पुराने गाड़ियों को मॉडिफाई और शॉप दोनों देखने को मिलेंगे। अब कुछ टाइम बाद मैं आपके लिए बहुत सारे जिप्सीज भी लेके आऊँगा दोस्तों, जो मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, अब बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो, एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।